के सब साथी दुख में ना हुए कोई, ये भजन तो आपको याद ही होगा। लेकिन लगता है कि एल्विश यादव के को इन्फ्लुएंसर्स इस थ्योरी को पलटने में लगे हुए हैं। अब पलटने में लगे हुए हैं या मौके का फायदा उठा रहे हैं, व्हाटएवर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रेष्ठ भारत। सो फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों यूट्यूब पर काफी छाए हुए हैं, बट इन अ नेगेटिव वे। दो पिछले 10 दिनों में वो कई बार हेडलाइंस बन चुके हैं, कभी मैक्सटन से हुई मार पिटाई को लेकर, तो कभी सांपों के जहर को लेकर। लेकिन इन सब के बीच जो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया है ना, वो है एल्विश की एक्स गर्लफ्रेंड कृति मेहरा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा। हर किसी को लाइमलाइट चाहिए, वैसे तो ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन सुर्खियों में रहना किसे बुरा लगता है भाई। यूं तो यूट्यूब पर कुछ भी करके पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन लोग इनके बारे में बात करें ऐसा इनका सौभाग्य कहां। इसलिए अब एल्विश केस में दोनों मोहतरमाएं भी कूद पड़ी हैं, दोनों के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। दोनों ने ही ऐसा पोस्ट डाला कि समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई साथ दे रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं। को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत क्या हुई, एक्स को मिर्ची लग गई है। कृति मेहरा जो कि एल्विश की एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने भी एल्विश को सपोर्ट किया है और एक बड़ा क्रिप्टिक सा पोस्ट शेयर किया है, जिसको देखकर लोग मान रहे हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को हिम्मत दे रही हैं। कृति ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कोट शेयर किया है जिसमें कहा गया है, गीता में लिखा है, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। कृति को अच्छे से पता है कि अपने कर्मों की वजह से एल्विश आजकल देश भर की मीडिया में छाए हुए हैं। ऐसे में अगर एल्विश की वेलविशर बनकर कूदेंगी तो मीडिया इनको भी थोड़ा बहुत भाव दे देंगी। एक्स होकर इतना कंसर्न दिखाना हजम नहीं हो रहा है वैसे। वहीं दूसरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा इस पूरे कांड में कूदती हुई दिखाई दी। कृति की तरह इनके भी सुर बदले बदले नजर आए। अब तक जो एल्विश के अगेंस्ट थी, आज एल्विश का साथ देने के लिए मैदान में उतर आई है। अब हाल ही में इस विवादित मामले के बीच ही अंजलि अरोड़ा ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे यूजर्स एल्विश यादव से जोड़ रहे हैं। अपने ट्वीट में अंजलि अरोड़ा ने लिखा है, रिलैक्स गाइस, टीआरपी के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है। हालांकि अंजलि ने इस ट्वीट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इशारा किसकी तरफ है कि ये सबको बताए। अंजलि अरोड़ा के इस ट्वीट के बाद लोग उन्हें ढोंगी और झूठा बताते हुए ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, टीआरपी के लिए आप भी अंजलियंस अंजलियंस खेल रही थी कल तक। तो दूसरे यूजर ने लिखा, कल तक एल्विश यादव के साथ ट्वीट ट्वीट खेल रही थी, आज गिरफ्तार हो गया। एक यूजर ने तो मीम शेयर किया है जिस पर एल्विश यादव और अंजलि की फोटो है। इस फोटो के नीचे लिखा है, सांप पाल रहा था। अभी तो रुकिए, अभी तो कई ऐसे लोग हैं जो और भी आगे आएंगे और बहती गंगा में अपने हाथ धोएंगे, एल्विश के सपोर्टर्स के तौर पर लाइमलाइट भी बटोरेंगे। फिलहाल अंजलि और कृति का तो काम हो गया, अब देखते हैं आगे किसकी बारी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।